हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी। तो चलिए फिर मैंने स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 8 मीडियम साइज़ के आलू को 4 हिस्सों में कट करके और 3 एग को दोनों को साथ में कुकर में 2 सीटी देकर बॉईल कर लिया है। एक कढ़ाई में दे देंगे 2 चम्मच के बराबर तेल और बॉईल किए आलू उसमें दे देंगे हम। देखिए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। आलू फ्राई हो चुके हैं, सेम उसी तेल में हम एग को भी फ्राई कर लेंगे। सेम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ऐड करते हुए इसमें दे देंगे 1/2 स्पून हींग, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी। देखिए कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे गैस को फ्लेम मीडियम रखते हुए। और उसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मसाले कच्चेपन स्मेल जाने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। कुछ देर बाद अच्छे से भून लेने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टमाटर बारीक कटी हुई। देखिए अच्छे से मिक्स करके टमाटर के पिघलने तक वेट करेंगे। टमाटर पिघल चुके मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। इनके ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा हमारा। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी। सभी को अच्छे से मिक्स करके मसालों को अच्छे से कुक होने देंगे। सारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब फ्राई किए हुए आलू दे देंगे इसमें। पहले आलू को सभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब मैं ऐड करूँगी फ्राई किए हुए एग्स। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी अच्छे से मिक्स कुक हो चुके हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड, बन के तैयार है हमारा एग कड़ी की रेसिपी। इसको आप चावल चपाटी खाने से और भी मज़ेदार लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेकर।